एक कहावत आवे है, ठाडा मारे और सोन दे नहीं, खाट खोस ले सोन दे नहीं, ठाडा मारे रोन दे नहीं। बड़ा बेटा है तो इसको पढ़ाया, इसकी घरवाली को सर्विस लगाया, इसको लगाया, पोती को पढ़ाया, इसको बनाया, इस DSP बनी, बलराम जो है पोता उसको तहसीलदार बनाया, ये मेरे शत्रु बन गए। ऐसे मेरे बेटे को मेरे सामने जो इन्हें पीटा है, मारे है, बच गया भगवान की दया, मेरे कोई फेंक के मारे गीतिका ने, बलराम ने। ये मामला तो महानाजायज मामला है। एक कहावत आवे है, ठाडा मारे और सोन दे नहीं, खाट खोस ले सोन दे नहीं, ठाडा मारे रोन दे नहीं। तो बेटा, बड़ा बेटा है, इसको पढ़ाया, इसकी घरवाली को सर्विस लगाया, इसको लगाया, और इनको पोती को पढ़ाया, इसको बनाया, इस DSP बनी, बलराम जो है पोता उसको तहसीलदार बनाया, ये मेरे शत्रु बन गए। मैंने सब कुछ किया, ये मेरी घेटी पकड़ के, मेरे को मेरे सामने मेरे बेटे को जो मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे 3 बार तो स्टंट डलवाया इसने गंगाराम में रोटे जाके, ऐसे मेरे बेटे को मेरे सामने जो इन्हें पीटा है, मारे है, बच गया भगवान की दया से, मेरे को ही फेंक के मारे गीतिका ने, बलराम ने, मेरे भी चोट लगी है, मेरा कुल्ला टूट गया था, मैं गिर गया था, मेरा दर्द अब भी, और मैं बड़ा परेशान हूँ इनसे, ये धक्के से मेरे मकान के ऊपर और धक्का करके ये कब्जा करना चाहता है। सारे बाग बाग जो है आज तीनों भाइयों का है, मैं भी, मेरा भी उसमें 3 एकड़ का हिस्सा है, वो तो सारा बाग ये काबू करें बैठे हैं। सारी मेरी जायदाद थी मोड़ के ऊपर, 3 एकड़ ज़मीन बढ़िया करोड़ों की, वो सारी इसके नाम मैंने करा दी थी। भाई बड़ा बेटा है जो सारी काबू करे बैठे है, इसने अन्याय मेरे ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ रखी। मैं भाई जाऊं तो जाऊं कहाँ, ऐसी गंदी औलाद मैंने पैदा कर दी, जो बाप को बख्शे नहीं, भाई को बख्शे नहीं, पोतों को बख्शे नहीं। एक मेरी पुत्र वधु है, वो डॉक्टर है, PhD है, और उसको भी पीटे है, और वो गीतिका अंदर आ करके, वो गीतिका का एक झुमका पड़ गया था, वोटों से फिरे तो पुलिस वाले हमारे पास है, वो अंदर मेरे मकान मेरे को धक्का दे गया, घेर के वहाँ पड़े उसका, तो ये सबूत है मेरे पास सारा। इनको ये नाजायज काम करने लगे, भाई बचाओ मेरे को, और मेरे मकान के ऊपर बिल्कुल इनका कोई हक नहीं है, मैं बैठा हूँ मेरे मकान, मैंने बांटे को नहीं, कुछ भी नहीं इनको बताएं, ये धक्का ग्रह बैठा सारी ज़मीन पर, सारे बाग पर, सारे इंपॉर्टेंट लैंड जो ये काबू ग्रह बैठा है, यूरोपति खरपति बन गया, कहाँ से बन गया, कहाँ से आए इसके पास पैसे, सारा सारे भाइयों का माल तो ये खाए बैठा है खुद, अरे यो यो पापी जो है हमें तंग लग रहा है, क्या यो मकान मेरा है, यो मेरा फलाना मेरा है, मैं यो प्रकाश का खुद का बनाया हुआ मकान में मैं रहता हूँ, इसमें लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, पहले मेरे मकान में मैं रहता था, लेकिन ये मेरे को लिया है पिताजी, वहाँ दुख पाओ, लैट्रिन बाथरूम को नहीं, उसमें मेरे पास यहाँ आ जाओ, तो मैं यहाँ आ गया, इनको बड़ा दुख है, यो कह यो भी बोले मेरा है, ये प्रकाश का खुद का बनाया हुआ है, 3 साल में इसने बनाया, इसे सब कुछ सारी जायदाद लगा के इसने, सारा मेहनत लगा के, अरे यो क्या यो भी मेरा है, पीछे जो स्कूल बना रखे है वो मेरा है, ये सारा इसी का है, महाराज कुछ है ही नहीं, मांग ये करता हूँ इसके ऊपर मुकदमा बनाया है, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा बना रखे है, पुलिस वालों को, पुलिस की मदद करके, DSP की मदद करके, और हमारे ऊपर मुकदमा उन्होंने बना दिया, और हम जो कहते हैं मुकदमा बनाओ तो ये कहते 3-7 दिन लगेंगे, मैं पुलिस वालों को फतेहाबाद की SP से पूछूंगा, फलाने से पूछूंगा, ये ऐसा तो पागल बना रहे हैं हमें, इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, ये झूठ बोल के, ये कर देंगे, ये कर देंगे, आपका तो कोई कसूर नहीं है, ये मेरे बेटे को बकाता रहा है ये ऐसे तो, और इसने ये DIG वगैरह भी, ये सारे कल सारे मर गए, पता नहीं इसने क्या लिया, क्या खाया, क्या है, भगवान जाने,
इतनी करप्ट है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया पुलिस का भी, सारी पुलिस का, इस गीतिका के कारण। ये गीतिका क्या है, ये बिगिन की खाना ना, ये आपके आपके ससुरों के बक्स है ना, बटेऊ के बक्स है। इसने अपने खाविंद को भी पीटा है, सुसरे को भी मारी है, और ये बक्सा ही को नहीं किसी को, सत्यानाशन है एक नंबर, घरांजा ही नहीं आपके, पूरे बैठे आपके बाप के पास, ये यूँ कहते हैं मेरी मेरा तो बेटा है, मैं तो इन्हें जाने कौन दूँ। या बिगन से यार इसकी माँ जो है बिगन का खान है दोनों, उसने सत्यानाश कर दिया। कप्तान बलराज सिंह की बेटी है, लेकिन कप्तान डाकू होता था, उसने उसकी बेटी है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। तो मेरे मैं जाके धरना धर दूंगा डीजी साहब के पास और बिल साहब के पास और चीफ मिनिस्टर के पास। मैं क्या मुझे जाना नहीं आता, मैं 88 साल का भी होया नहीं हूँ, 90 साल तक जीऊँगा कम से कम। मैं बैठ जाऊँगा जाके वहाँ, इन्हें मैं छोड़ूँ कौन, इनको ये सबक से भागे छोड़ूँगा। मैं यहाँ घर पे सोया हुआ था, बुखार हुई हुई थी, घर पे बाहर गेट पे किसी ने घंटी बजाई, कुंडा खड़काया, और कुंडा खड़काने के बाद में मैं गया तो हमारे जो है गांव के फार्म पे जो एक मुजारा है राजू, वो गेट पे था। वो कहने लगा जी मुझे चाबी दो, सफाई सफूई करनी है, कपास डालनी है। मैं कहा नहीं भाई, हम आपको चाबी कैसे देंगे, हमारे भाई भाइयों का डिस्प्यूट चल रहा है, मैं चाबी नहीं देता भाई, हम अपने आप बलराम से बात कर लेंगे, तू जा। वो कहने के बाद में मैं चाबी लेके उसके घर के ताला लगाने के लिए गया तो वो गेट खुले हुए थे, और मैं अंदर गेट के बढ़े हूँ, अंदर बढ़ते ही फिर आगे देखा शटर खुले थे। मैं और थोड़ा अंदर गया हूँ तो वहाँ अंदर जाते ही वहाँ सुरबराहट मुझे सुनाई दी। वहाँ अंधेरा था और मेरे साथ वो मार पिटाई पे उतर गए। कौन कौन थे वहाँ पे? बलराम के साथ चार जवान और एक तो जो मेरे साथ यहाँ राजू था वो भी साथ गए, उसने भी मेरे को पकड़ लिया। तीन अंदर ऑलरेडी वो थे और उन्होंने 3 मिनट तक मेरी खूब पिटाई की, और मैं पिटता गेट के पास आ गया। मैंने गेट का दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा भाई, तुम मेरे घर में आए क्यों। फिर वो ज़बरदस्ती कूट काट के गेट खोल के मैंने थोड़ी आवाज़ लगाई भाई, अरे बेटा कहाँ आओ भाई, कहाँ गए, मेरे को तो मार दिया बाजो। फिर मेरी मिसिस गई, मैंने कहा भी तुम डंडा ले गया, मेरा तो कर दिया काम। वो इतने वहाँ से निकल के भाग गए, फिर वो डंडा ले गया, मैं उसके पीछे भी भाग गया थोड़ी देर, मगर बलराम रुक भाई, तो वो चले गए। फिर मैंने ये सारी बातें मेरे बेटे को बुलाया, वो बाहर था, धर्मवीर को बताई, उन्होंने फिर SHO साहब को फ़ोन किया, 112 पे किया भाई इसी तरह वारदात होगी, फटाफट आओ। 9 या 10 मिनट के बाद में गीतिका अपनी जो है जो DSP है सरकारी गाड़ी जो है दुर्गा शक्ति लेके, उसमें अपने बॉडीगार्ड दो पुलिस जवान तीनों बाप बेटे, नायब तहसीलदार बलराम, गीतिका DSP, उसके पापा सत्यवीर जाखड़, डंडों से लैस हो गए। आए आते ही जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, और ये वारदात जो उन्होंने पहले की वो मेरे मकान से दूर है, ये मेरे मकान पे पहुँच के वहाँ धर्मवीर मेरा बेटा खड़ा था, उसका आते ही उसके थप्पड़ मारे हैं, फिर मेरे चिमड़ गई, फिर मेरे दादाजी वहाँ पहुँच के पिताजी, उनको भी उन्होंने फटकार दिया, उनको एक चोट लगी। आखिर ये इन्होंने जो वारदात नहीं करनी थी, ये मेरे मकान पे बैठे हैं, तो निकल यहाँ से बाहर, तू क्या मांगता है, मेरा बनाया हुआ है। फिर हमने वो जो है वो वारदात करते रहे, कुटाई पिटाई करते रहे, ये सारी CC कैमरे में कैद हैं। और फिर हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, SHO साहब फिर भी नहीं आए, वो देखते रहे, अब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर SHO को मैंने कहा देखो सर, ये आपके सामने ये भी हमें जो है कूटने लग रहे हैं, ये सरकारी गाड़ी ये ले गए हमें विद फोर, मैंने क्या जुल्म कर रखा है। तो फिर वो उनको पुलिस उन्हीं के साथ घूमती रही, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई, वो चले गए। मैंने वो जाके फुटेज सारी दोबारा देखी भी, कैसे कैसे उन्होंने की प्लानिंग थी, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ये काम मेरे पे जो किया है। ये कारण ऑफ रंजिश ये है कि बलराम जो नायब तहसीलदार है, अभी उसके पीछे ही 28 फरवरी की शादी थी, उसने अपने बहुरानी से उनके कोई विचार मिल नहीं रहे, आपस में तनातनी है। मैंने उनको कहा भी ये बेटी तो बसानी पड़ेगी, मैंने उन रिश्तेदारों की जायज़ बात के लिए ये बात कह दी। इसी दुख से आगे उन्होंने जो है मेरे पर मार पिटाई की है, और मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। हम IG साहब के पास भी गए हैं, SP साहब के पास भी गए हैं, SHO साहब के पास गए हैं, और हमने इसके फुटेज निकाल के सभी CM साहब से भी मिलेंगे, होम मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे,
प्रतिपक्ष नेता से भी मिलेंगे कि भी इस मत इस देश का कोई पुलिस का जो कोई अफसर हो अपने परिवार को अपने दादा को अपने इस प्रभाव से क्या घर आके इस तरह पिटाई कर सकते हैं। कोई क्या कानून है ना, मैं कानून पर पूरा भरोसा है और सरकार पर पूरा भरोसा है, हमारी सरकार है और हमें न्याय ज़रूर मिलेगा।